Good morning, students. B.Ed. first year के pedagogy of history इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हमने इतिहास का और प्रकृति इतिहास का महल उसके आधारों के बारे में हमने अध्ययन किया था कि इतिहास क्या है, इस चीज को समझा, उसकी प्रकृति क्या है, उसके क्षेत्र क्या है, इन सबको देखने के बाद ये सब चीजें निकल कर आई कहाँ से, क्योंकि इतिहास को जहाँ हमने कहा कि एक दार्शनिक इतिहास को एक क्योंकि साहित्य का विषय था, इसको बाद में एक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई या विषय के रूप में परिचय प्राप्त हुआ, तो उस आधार पर ये कहा कि किस आधार पर ये सब प्रक्रिया या एक अलग विषय के रूप में इसका स्वरूप निर्धारित किया गया, तो इसके पीछे जो है इसके इतिहास के दर्शन यानी कि इतिहास के दार्शनिक विचारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा कि इतिहास का अपना एक दर्शन दर्शन जिसमें कि विचारों के आधार पर समालोचनात्मक विश्लेषण के आधार पर हम किसी ज्ञान को या किसी बात को एक विषय के रूप में या मन सभी के लिए उसको एक विषय के रूप में स्थान प्रदान करते हैं, विषय के रूप में उसे स्वीकार किया जाता है, तो ऐसे में बिना दर्शन के किसी भी विषय के स्वरूप को निर्धारित करना आसान नहीं होता है, इसीलिए इतिहास भी एक विषय के रूप में जब इसे स्वीकार किया गया तब उसकी दार्शनिक विचारधाराओं के आधार पर या दार्शनिक विचारधाराओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यहाँ सबसे पहले बात आती है कि इतिहास का दर्शन क्या है, किसे इतिहास का दर्शन कहेंगे, तो इतिहास के दर्शन को समझने के लिए कुछ बातें हैं, पहले हमें इसे समझनी है कि सबसे पहला है इतिहास दर्शन शब्द का जो सबसे पहले सर्वप्रथम जो इस शब्द का उपयोग किया था वो किया था वेल्टेयर ने, यानी कि वेल्टेयर ने सबसे पहले इतिहास के दर्शन शब्द का उपयोग किया था। इतिहास को चूंकि उन्होंने जो अब तक एक किस्से कहानियों के रूप में चला आ रहा था उस चीज को एक नया रूप प्रदान करने के लिए, क्योंकि किसी कहानियों के माध्यम से बहुत सारी बातें थी जो सत्यता से परे हो जाती थी, जबकि उनका मानना यह था कि ऐसा नहीं है, जो सत्य है जो तथ्य है उनको सत्यता के आधार पर ना बोल के कसौटी के आधार पर जब जांच परख कर सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है तभी वह सत्य होता है, और यही समस्त प्रक्रिया एक दार्शनिक विचारधारा जिसकी होगी या दार्शनिक सोच जिसकी होगी वही व्यक्ति किसी तथ्य के गहराई तक या तह तक पहुंच सकता है, अर्थात इतिहास का अपना एक दर्शन है, इसीलिए वोल्टेयर ने इसके लिए सबसे पहले इतिहास दर्शन शब्द का उपयोग किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि अतीत और उसके इतिहास के दार्शनिक अध्ययन को इतिहास दर्शन कहा जाता है, यानी कि अतीत में जो कुछ घटित हुआ है उसके ऐतिहासिक अध्ययन में इस दार्शनिक विचारधारा का होना अनिवार्य है, यानी कि अतीत का अध्ययन जो कुछ किया जाता है उसका आधार क्या कहा जाए, अध्ययन बहुत जितना चिंतन जितना समालोचनात्मक अध्ययन जो किया जाता है इसका ऐतिहासिक अध्ययन उसे इतिहास का दर्शन कहा गया है। अर्थात वोल्टेयर का कहना था कि अतीत का जो अध्ययन है इतिहास का अध्ययन है वही इतिहास का दर्शन कहलाता है।
इतिहास की दशा व दिशा के लिए जो जिम्मेदार है, जिम्मेदार तथ्य की खोज दर्शन, अर्थात इतिहास के लिए जो दिशा और दशा, यानी कि जो जिस जो दिशा है इतिहास को खोजने की, यानी कि जिस क्षेत्र में उसकी खोज की जा रही है और जो उसकी वास्तविक स्थिति है, किस प्रकार की उसकी अपनी दशा है, कैसी स्थिति है, किस प्रकार की वो प्रमाण हमको देते हैं, क्या किस प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं, यानी कि इतिहास की दशा और दिशा जो तथ्य है उनकी उनकी खोज करना, तथ्यों की खोज, यानी कि इतिहास के स्वरूप निर्धारित करने के लिए उन तथ्यों की खोज करना, यानी कि इन तथ्यों को ढूंढना ही इतिहास का दर्शन कहलाता है। अर्थात कि इतिहास का दर्शन क्या है? इतिहास का दर्शन अतीत का अध्ययन जो किया जाता है वह इतिहास का दर्शन है। उसका इतिहास के तथ्यों का विश्लेषण करके संश्लेषण का वर्णन प्रस्तुत करना दर्शन कहलाता है। इतिहास की दशा और दिशा जो वर्तमान में सभी के सामने रखी गई है, रखी जाती है, उसको रखने के लिए जो तथ्य खोजे जाते हैं वही इतिहास का दर्शन कहलाता है। इसको समझने के लिए इस चीज को और समझने के लिए प्राचीन इतिहास का दर्शन को दो भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास का दर्शन इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है संयोजनात्मक, संयोजनात्मक यानी कि प्राचीन इतिहास का जो दर्शन है उसको दो भागों में बांटा है। और वो दो भाग कौन से हैं? पहला है संयोजनात्मक। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो किसी को सुसंबंधित संयोजित करना, जो बिखरे हुए तथ्य होते हैं उन सभी को एक स्थान पर एक दूसरे से संबंधित संबंध स्थापित करके और सुव्यवस्थित करना ही संयोजन कहलाता है। जिनको कि यहाँ इतिहास के तथ्यों के आधार पर भी तथ्यों को खोजना और एक दूसरे से संबंध स्थापित और संबंधित स्वरूप में ही, क्योंकि अलग अलग रूप से समझा जा सकता है बात अलग है, लेकिन एक घटना का दूसरी घटना के साथ क्या संबंध हो सकता है या एक घटना के ऊपर दूसरी किसी घटना का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, ये जब इस प्रभाव संबंध को बताते हुए जब इतिहास की रचना की जाती है तो वह स्थिति इतिहास का दर्शन कहलाती है, जिसमें कि संयोजनात्मक अवस्था कहलाती है। दूसरी बात आती है अनुमानात्मक अवस्था। अनुमानात्मक स्थिति या अनुमानात्मक इतिहास का दर्शन, यानी कि अनुमान के अनुमान लगाना, अगर शब्द पर ही हम जाते हैं तो किसी घटना के बारे में अनुमान लगाना कि ऐसा घटित हुआ होगा, क्योंकि जब आपके सामने कोई तथ्य निकल कर आ रहा है, कोई तथ्य सामने है, जैसे कि हमको सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं, कहीं उन पर मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त हुए, कहीं उजार हमें प्राप्त हुए, तो उनके आधार पर हमने अनुमानात्मक दर्शन का उपयोग किया, अनुमान लगाया कि अगर बड़ा पात्र प्राप्त हुआ है तो ये बड़ा पात्र किस उपयोग में आता होगा, छोटा पात्र प्राप्त हुआ है तो इसका अनुमान लगाया कि किस प्रकार का उपयोग में आता होगा, औजारों में भी कोई बहुत अधिक तीखा औजार है तो वो कहाँ उपयोग में आता होगा। अर्थात कहने का मतलब हर चीज का अनुमान के आधार पर उसको प्रमाणित करने का जो जो चिंतन किया जाता है वह अनुमानात्मक दर्शन के रूप में जाना जाता है, यानी कि तथ्यों के आधार पर अज्ञात तथ्यों का अनुमान लगाना, तथ्यों के
पर अनुमान लगा, क्योंकि बिना तथ्य के आधार पर कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। अर्थात कि प्राचीन इतिहास के दर्शन की जहां बात की गई तो वहां पे भी इस संयोजनात्मक अवस्था और अनुमानात्मक अवस्था को इतिहास के दर्शन के रूप में जाना गया। अब यहां पर चूंकि दर्शन की बात आती है तो इस दर्शन के आधार पर हम अलग अलग दृष्टिकोण से, क्योंकि भारतीय दृष्टिकोण से दर्शन की विचारधार अलग परिभाषित होता है और पाश्चात्य दृष्टि से अलग ढंग से परिभाषित होता है, तो आज हम देखेंगे पाश्चात्य दर्शन, यानी कि इतिहास का पाश्चात्य दर्शन या पाश्चात्य लोगों के द्वारा या पाश्चात्य इतिहासकारों के द्वारा इतिहास के दर्शन के बारे में क्या कहा गया है। तो सबसे पहली बात आती है हीगल। हीगल का जो दर्शन है उसमें उन्होंने भौतिक वही इसी दृष्टिकोण से इसी विचारधारा के आधार पर
के आधार आधार पर इतिहास का दर्शन किसे कहेंगे, यानी कि पाश्चात्य विचारों के आधार पर इतिहास का दर्शन किसे कहा जाएगा। इस प्रश्न को आप हल करना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले COVID-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिए। आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलिए, अनावश्यक ना निकलिए। अगर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगा कर या कपड़ा बांध कर निकलें। किसी से बातचीत करते हैं तो 6 फीट की दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करें।